हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जहाँ आया हूँ और जो बाइक आपको दिखाने वाला हूँ, वो बाइक सबसे ज़्यादा यूनिक बाइक है अब तक की मेरी। तो वीडियो में आपने मेरी देखा होगा, काफ़ी बाइक मैंने अब तक दिखाई है, स्पोर्ट्स एंड चॉपर बाइक, क्रूज़र बाइक एंड बोबर सारी आपको दिखा रखी है। बट ये बाइक जो है ना, जो मेरे पीछे की साइड है, वो बाइक सबसे ज़्यादा यूनिक बाइक है। तो पहले आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखो, उसके बाद मैं सारी डिटेल्स बताऊँगा, प्राइस वगैरह सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पहले गाड़ी का नाम बता देता हूँ कि गाड़ी का नाम है इसका पल्सर 220। आगे से देख सकते हो आप। इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन अभी हुई है। सबसे पहले हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी देखकर आप बताना कौन सी गाड़ी है। ना ये स्पोर्ट्स है, ना ये बोबर है, ना चोपर। ये है एक यूनिक, ये कैफे रेसर कह सकते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा लुक में। इसको आगे से स्टार्ट आते हैं। तो गाइस, इसके अंदर जो हेडलैम्प दिया हो ना भैया ने, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है हेडलैम्प। इसका एक बार जला के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हेडलैम्प जलता है कैसा। तो देखो गाइस, रोशनी बेहद खूबसूरत, बहुत हाई बीम इसका जो है ये हेडलैम्प है। एंड डीपर भी मारते हैं तो डीपर भी इसका लाइक पॉइंट चेंज स्टार्ट होने पर जलेगा। गाइस, ये इसका हेडलैम्प हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका आगे का सस्पेंशन। टेलीस्कोप शोकर आपको दिख रहे होंगे, तो ये शोकर जो है ना, ये काफ़ी हैवी शोकर हैं और ये डोमिनार के लगाए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी एक काफ़ी बड़ी मॉडिफिकेशन में आते हैं। उसके बाद में आप इसका आगे का मरगार्ड देख सकते हो गाइस। मरगार्ड ये मेटल में बनाया हुआ है और मरगार्ड काफ़ी खूबसूरत, अच्छी शाइनिंग मार रहा है। एंड अगर जो इसकी डिस्क ब्रेक की बात करी जाए, तो डिस्क ब्रेक देखो गाइस कितनी बड़ी और कितनी हैवी डिस्क ब्रेक है। एलॉय रिम जो है इसका डोमिनार का लगाया हुआ है गाइस। जब ये चलते हैं तो एक फ्लावर की तरह जो है दिखता है चलते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ जो इसका एलॉय रिम है, वो डोमिनार का है। एंड पैंट जो भी किया हुआ है इसके अंदर, तो पैंट भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन डाला हुआ है। साइड मिरर जो लगे हुए हैं देखो गाइस, साइड मिरर भी काफ़ी अट्रैक्टिव से हैं, जो हैंडल के लास्ट में आ जाते हैं, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर इसका गाइस मीटर वगैरह नहीं दिया हुआ, क्योंकि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है गाड़ी के अंदर, तो इन्होंने मीटर नहीं लगाया अभी, बाकी बाद में लगा सकते हैं हम, उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं गाइस इसका इंजन की साइड। तो सबसे जो अच्छी, काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है ये, इस एग्जॉस्ट जो है ना, जो बैंड पाइप जो इंजन से हो करके सीधा एग्जॉस्ट में जा रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। ये जो बैंड पाइप है ये ओरिजिनल है गाइस, ये पेंट जॉफ वगैरह नहीं है, ना इसको निकल कह सकते हैं हम। देखो शाइनिंग इसकी कितनी है, खूबसूरत सी है। आगे से मैं आपको दिखा दूँ तो साइलेंसर भी काफ़ी अच्छा है, जो कि ये ओरिजिनल है, ना कि इस पर कोई पेंट जो पेंट किया हुआ है, ना ही कोई क्रोम वगैरह किया हुआ है। और साइलेंसर इस तरीके का दिखेगा। पिछले सस्पेंशन में हम आ जाते हैं अब। तो पिछला सस्पेंशन जो डाला हुआ है इन्होंने, वो R15 का है। एंड शोकर देख सकते हो, मोनो शोकर के साथ आएगी ये गाड़ी अंदर, और उस पर भी अच्छा एक पेंट किया हुआ है। और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, पीछे सा सिंगाम कुछ इस तरीके का आएगा, R15 का है, काफ़ी कॉस्टली है। अभी इधर हम जाएंगे तो गाइस अभी नंबर प्लेट नहीं आई है, क्योंकि नंबर भैया ने अभी जो है ऑर्डर किया हुआ है। मैं बता दूं आपको, टायर का साइज़ काफ़ी चौड़ा, काफ़ी ब्रॉड टायर है। तो गाइस टायर का जो साइज़ है वो है 150 mm, वही 17 इंची वगैरह में जो डोमिनार में आता है। तो टायर भी काफ़ी हैवी लगाया हुआ है। पीछे से देखने में गाड़ी अलग ही एक प्यारी सी लुक आएगी, जो लोग देखेंगे चलते हुए। तो असल में मैं बताऊँ, वही मैं इसे राइड करके लाया,
सब लोगों का जो रिएक्शन था ना काफ़ी था यार। उन लोगों ने क्या ना पलट पलट के देख रहे थे लोग कि क्या चीज़ जा रही है। तो इधर का जो चैन स्पॉकेट है इसका, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा आप लोगों को। चैन स्पॉकेट जो है वो काफ़ी बड़ा चैन स्पॉकेट है इसका। जिसका चैन स्पॉकेट है वो डोमिनार 400, तो काफ़ी बड़ा हो गया। उस बड़े चैन सेट के होने के कारण गाड़ी का जो पिकअप है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जो कि हम इसको KTM 390 की टक्कर दे रहा है। तो देख सकते हो आप, पास से भी दिखा दूँ। एलॉय रिंग के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी बड़ा चैन स्पॉकेट हो गया है। उससे इसका पिकअप भी बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छा पिकअप हो गया गाड़ी का, क्योंकि अभी मैंने गाइस राइड करी थी गाड़ी। सो बहुत अच्छा पिकअप है। देखो सारी चीज़ मैंने आपको इसकी बता दी है स्टेप बाय स्टेप, एंड एक चीज़ रह गई है जो है इसका पैंट। सो पैंट जो है ना गाइस, पैंट काफ़ी अच्छा, काफ़ी मतलब इसके अंदर ना देखो मेरा कैमरा भी दिख रहा होगा, अपने आप को हम देख सकते हैं पैंट के अंदर। तो अब वैसे देख करके वीडियो में जैसा नज़र आ रहा होगा तो उससे क्वालिटी का पता चल गया होगा कि पैंट की क्वालिटी A1 है। और गाइस मैं इसके बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आगे स्क्रीन पर भैया का नंबर आ रहा होगा, जिनकी भैया की बाइक है उनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर भी आप पूछ सकते हो। एंड इसको मॉडिफिकेशन करवानी है इस लेवल की, सो गाइस इसका जो प्राइस होगा वो 1.5 लाख होगा। और बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भैया का नंबर एंड भैया की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप जा करके पता कर सकते हैं। तो गाड़ी कैसे लगी इसके बारे में बताओ। अभी मैं इसके एक जोर साउंड सुनाता हूँ, गाड़ी को राइड करके भी दिखाऊंगा किस तरीके की गाड़ी लगेगी। तो साउंड देखो भाई, साउंड तो गदर है, कातिल हैं, सही बताऊँ साउंड के मामले में तो 220 वैसे ही आ गए। भैया ने एक चीज़ एक्स्ट्रा और दे दी तो और ज़्यादा आगे हो गई। इसीलिए इसका चलते जो मज़ा है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। इसके साउंड सुनाता हूँ मैं आप लोगों को पहले, और सो ज़्यादा मैं टोटल दे नहीं सकता क्योंकि ये पब्लिक पैलेस है, तो इसलिए लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टोटल दे नहीं रहा गाइस। बाकी आप चलते हुए वीडियो देखो तब आपको पता चलेगी किस तरीके की लगती है गाड़ी। तो गाइज मैंने हेडलाइट आपको दिखाया एंड पीछे के अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ रह गया था शूट करने के लिए, वो है इसका बैकलाइट। बाकी ऐसी बैकलाइट तो अभी तक किसी गाड़ी में दी नहीं है। मैं पूरा बता सकता हूँ कि ऐसी बैकलाइट किसी भी मॉडिफायर ने नहीं दी, ये फर्स्ट गाड़ी है जिसमें ऐसी बैकलाइट आई। इसके बाद में आ जाते सीट, हाँ चल रहे, इसके बाद में ये सीट जो है ना भैया ने, ये देखो कितनी सॉफ्ट है डायमंड कटिंग के साथ, और ये हार्ड नहीं है ज़्यादा। जैसे मैं अपनी NS की बात करूँ तो मेरी NS की बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, तो उसके हिसाब से देखी जाए तो भैया ने सीट भी बहुत सॉफ्ट बनाया हुआ है। मैंने सब चीज़ आपको बता दी है, पिकअप गाड़ी का बहुत हाई है, जो 220 नॉर्मल आती है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई पिकअप इसका हो गया इस टाइम, जो कि चैन स्पॉकेट के द्वारा हुआ है। अगले टायर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ब्रॉड टायर है। काफ़ी गाड़ियों में ऐसा होता है कि अगला काफ़ी पतला सा डाल देते हैं, पीछे का काफ़ी हैवी कर देते हैं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। आगे के हिसाब से पीछे का टायर भी परफेक्ट है। तो गाड़ी कुछ इस तरीके की लगेगी दोस्तों। रात होने वाली है तो ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बना नहीं सकता। तो गाइस बाइक आपको मैंने दिखा दी, बाइक कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना आपको कि बाइक कैसी लग रही है, और ऐसी बाइक आपने कभी देखी है नहीं देखी, क्योंकि ये बाइक सब बाइकों को मिक्स करके बनाया हुआ, जैसे कि कैफे रेसर भी लगती है, थोड़ी स्पोर्टी भी है, नेकेड भी है, अट्रैक्टिव बाइक है। और आपको अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो भैया का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। और गाड़ी को देखो, है ना कुछ अलग और यूनिक चीज़, जो कि मैंने भी सही बताऊं तो पहली बार देखी है। बाकी आपने मेरे चैनल पर भूसा एंड चोपर बोवर कैफरे से सारी बाइकें देखी हुई हैं, ये बाइक नहीं दिखाई थी। तो ये बाइक के बारे में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।